गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विषय अध्यापिका संतरा खिज्जन सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटराथल से। तो कक्षा 6 में अपन ने पढ़े थे वर्ण, स्वर और व्यंजन, जिसमें अपन ने देखा था स्वर 11 और व्यंजन 33। तो आज देखें अपन क्या पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है कि वर्ण जैसे शब्द बने होते हैं, वर्णों से शब्द बने होते हैं, कै मैल है, तो ये क्या है, शब्द है। तो इसके अपन वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग करना है, वर्णों के टुकड़े करने हैं उस शब्द के, वर्ण अलग अलग वर्ण करना है। तो वर्ण विच्छेद अलग अलग निकाल के उसमें से वर्ण लिखने हैं। तो जैसे वर्ण विच्छेद में मैंने लिखा कमल, तो इसका वर्ण विच्छेद कमल एक शब्द है, कमल क्या है एक शब्द है, और इसके अपन टुकड़े करेंगे जिसे अपन वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कै, तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं हमेशा हलंत होते हैं। व्यंजन हलंत का मतलब नीचे हलंत का चिन्ह होता है आधे, हलंत का मतलब होता है आधा। जैसे यहाँ कै ए, कै यहाँ पे पूरा नहीं है, यहाँ कै क्या है आधा है, इसमें ए जोड़ते कै क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कै, ठीक है। तो इसी प्रकार कै हलंत करेंगे प्लस ए प्लस मै प्लस ए प्लस ले प्लस ए। यदि आप इसको ऐसे लिख देते हो ले प्लस ए, इसके हलंत नहीं लगाते हो, तो ये आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि ले ले में भी पहले से क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, और ये आगे और क्या है ए, तो ए और ए तो क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं, और आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा, कमला बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप वर्ण विच्छेद करते हो उसमें हलंत लगाना जरूरी है, ठीक है। उसी प्रकार देखे जैसे आगे वाला है काला, तो कै में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, तो कै को हलंत करेंगे प्लस ले को हलंत करेंगे ले प्लस आ, तो कै प्लस आ प्लस ले प्लस आ काला। इसी प्रकार किरण, तो इसमें देखिए अपन किरण, तो अपन को क्या करना है, देखो अलग क्या करना है, अलग वो करना है जो स्वर व्यंजन में मिला हुआ है उस स्वर को अलग करना है। जैसे कै, तो कै में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ई स्वर मिला हुआ है किरण, तो कै में से अपन क्या निकाल देंगे, ई निकाल देंगे, तो कै वहीं हलंत होगा प्लस ई रे प्लस ए अण प्लस ए। इसी प्रकार सीता का होगा, इसमें बड़ी ई मिला हुआ है, तो अपन से हलंत करके बड़ी ई निकाल देंगे। और इसी प्रकार देखे आपके लिए सुंदर, सुंदर आपके लिए नया शब्द है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक शब्द देख रहे होंगे आप ने जो आधा है, तो जब आधा ही वर्ण आ जाए उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो से प्लस स्वर कौन सा है ऊ, तो ऊ निकाला प्लस ने। अब आपको यहाँ ने आधा नहीं लिखना है, ने तो पूरा ही लिखेंगे लेकिन उसको हलंत कर देंगे, वो अपने आप आधा हो जाएगा, उसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ, इसलिए अपन कोई अलग से स्वर नहीं निकालेंगे। तो से प्लस ऊ प्लस ने आधा है इसलिए इसमें कोई स्वर नहीं है, पूरा लिखेंगे हलंत कर देंगे प्लस दे प्लस ए प्लस रे। इसी प्रकार कौवा, तो कौवा में औ स्वर मिला हुआ है, तो आप उसको अलग कर देंगे। और कंगन, ये आपके लिए नया शब्द है, तो कंगन में आप क्या करेंगे, क प्लस ए, तो ए के साथ आप क्या करेंगे, ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। जैसे इसमें आप अनुस्वार नहीं लगा सकते सुंदर, क्योंकि इसमें ने आधा है, साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन कंगन कनगन नहीं है, ये कनगन कंगन, तो कै प्लस अंग, जो आपने स्वर में पढ़ा था अयोगवाई वर्ण, तो कै प्लस अंग, फिर आगे आ जाएगा गै प्लस ए प्लस न प्लस ए। अब देखिए क्षत्रिय, जो मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि जो क्षय है त्रय है ज्ञ है और श्रय है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है और ये दूसरे वर्णों से मिले हुए होते हैं। तो जिनसे ये मिले हुए होते हैं वर्ण विच्छेद करते समय हम उन्हें पूरा करेंगे। जैसे क्षय है, तो क्षय किन से मिलकर बना होता है, ये मैंने आपको व्यंजन स्वर में समझाया था और आपके होमवर्क में भी भेजा है, तो ध्यान से देखेंगे। कै, क्षय का क्या करेंगे, कै प्लस से प्लस ए। फिर त्रय का क्या है, तय प्लस रे प्लस, अब देखो इसमें मात्रा त्रि ई की है, तो यहाँ ए की जगह क्या कर देंगे, ई लगा देंगे। और यदि मान लो क्षय या त्रय आधा आता है, तो कै तय और रे लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि त्रय जैसे मान लो इसके कोई स्वर की मात्रा नहीं है, जैसे आधा त्र आता है कहीं पर भी, ठीक है ना, तो
तो आप इसमें क्या करेंगे, तय प्लस रे लिखेंगे, इसमें स्वर नहीं है तो स्वर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ई क्षत्रिय, तो तय प्लस रे और स्वर क्या है, ई प्लस ई है प्लस ए। ऐसे ज्ञान, आपको पता है ज्ञ किससे मिला बनकर है, ज और य से मिलकर बना है। अब उसमें यदि ए है ज्ञ है तो ए लगा देंगे, ज्ञा है तो आ लगा देंगे, गी है तो ई लगा देंगे, ग्यू है तो ऊ लगा देंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग उसमें स्वर लग जाएगा। तो ज प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए। इसी प्रकार देखिए परिश्रम, तो इसमें आपके लिए नया शब्द है श्रय, प प्लस ए और रे में ई स्वर है तो उन अलग कर देंगे आप। अब श्रय, श्रय किससे मिलकर बना है, स प्लस रे से मिलकर बना है। अब इसमें जो स्वर क्या है, ए ही है, तो इसमें आप ए लगा देंगे, तो रे प्लस स प्लस रे प्लस ए, ये हुआ परिश्रम। तो ये हैं क्या है, वर्ण विच्छेद हैं, और इसको आप हर वर्ण विच्छेद को उसमें आप व्यंजन स्वर को निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस व्यंजन को आपको हलंत करना है। फिर आप इसके बाद वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे सरदार, पटेल, पब्लिक, स्कूल, कटराथल, सीकर, राजस्थान, जो मैंने आपको होमवर्क में भेजे हैं, इनको आप सही से वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे और ध्यान देंगे। थैंक यू।